नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। गांधी आश्रम में नई दिल्ली के पास में एक वीडियो जो इस समय वायरल हो रहा है, जो कोरोना के दौरान चल रहे लॉकडाउन में समाज सेवा के तौर पर राशन बांटने का है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सज्जन कुमार है, पिछले कई दिनों से गांधी आश्रम के आसपास बनी झुग्गियों में खाना देने जा रहा है और इस बार भी वह रात्रि के समय पहुँचा। अचानक उससे कुछ संदेह हुआ, उन्होंने झुग्गियों के अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गए। यहाँ पर न केवल राशन पड़ा था बल्कि न जाने कितनी ही सामाजिक संस्थाओं द्वारा दिया गया अनाज इकट्ठा किया हुआ भी मिला, जो एक कोने में पड़ा सड़ रहा था। और वहीं पास में वो मासूम लोग जिन्होंने ये अनाज इकट्ठा किया, पास में चिकन और बिरयानी खा रहे थे। तभी सज्जन कुमार ने ये वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। साथ ही उसने दोस्तों और सभी से एक अपील भी की कि गरीब की मदद करें, मगर पाखंडी लोगों की नहीं, जमाखोरों की नहीं, ताकि अनाज का एक एक दाना सही जगह पहुंच सके। आप स्वयं भी इस वीडियो को देखें और सावधानी से उन लोगों की मदद करें जो भूखे हैं, जिन्हें वास्तव में संकट की इस घड़ी में ज़रूरत भी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो आनन फानन में एक समाज सेवी के तौर पर बिना परख किए ऐसे लोगों को राशन बांट रहे हैं जो इकट्ठा करते हैं। ये उन जरूरतमंदों के साथ धोखा भी कर रहे हैं। आप स्वयं देखें इस खास वीडियो में। ये गांधी आश्रम का चोपला है जहाँ झुग्गी झोपड़ी में जो है हम इन लोगों के लिए जो है राशन पिछले जो है 7-8 दिन से लगातार बांट रहे हैं। आज हम यहाँ इस चौराहे पर आए और हमने झुग्गी झोपड़ी में आके इनसे कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, ये बाहर आए। जब बाहर आके इन्होंने जो है अपनी लाइन लगा ली तो हमने इनकी झुग्गी झोपड़ी में जो है अंदर घुस के देखा तो इन्होंने जो है मुर्गे की जो है सारी जो है पूरी परांठे जो है बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ा रखी है। और और ये स्थिति जो है आपके खाना सारा नीचे पड़ा था। ये सरकारी पैकेट है, सारे ये सरकारी पैकेट है। ये देखिए मुर्गा, ये मुर्गे का मीट चल रहा है, हलीम बिरयानी और जो है मुर्गे का मीट सारा जो है जितना भी राशन है। और ये आपका आटा और जो कच्चा राशन भी देखो किस तरीके से भरा पड़ा है। और जो लोग बांटने वाले हैं, जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उसमें देखो सब लोगों से इन्होंने ले रखा है। और ये पूरी की स्थिति है। दाल के वजह से पूरी दाल के वजह से जो भी बोलेंगे। ये गांधी आश्रम की झुग्गियां हैं। मैं सभी मेरठ वासियों से जो लोगों की सेवा कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि यहाँ खाना बिल्कुल ना पहुंचाए। ये इन लोगों को खाने की कोई जरूरत नहीं है। और इनका कहना ये है जो इन्हें मुर्गा मिल रहा है वो इस्लाम